हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबसे पहले मैं मांगना चाहूँगा एक बहुत बड़ी सी माफ़ी, क्योंकि बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रहा था। लॉकडाउन का लग रहा है कुछ ज़्यादा असर हो गया मेरे ऊपर, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिए गाइस सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अब मैं कोशिश करूँगा कि वीकली में एटलीस्ट एक वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए। फिलहाल बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज मेरे साथ खड़ी है एक बहुत ही स्पेशल बाइक, ESD लेजेंडरी ESD बाइक। जी हाँ दोस्तों, आज साथ में लेके आए हैं अपने चैनल पर लेजेंडरी बाइक। सो हम आए हैं जावा के शोरूम पे इस बाइक का रिव्यू करने। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और आप लोग एंजॉय करिए इस बाइक का रिव्यू। हम लोग आते हैं बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन की अगर हम बात करें तो बाइक में आपको मिलता है 334 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन। क्योंकि पावर की अगर हम बात करें, पावर रेशो आपकी बाइक को मिलता है 28.7 BHP, और अगर हम टॉर्क की बात करें तो बाइक में आपको मिलता है 28.2 Nm का टॉर्क। भाई हम लोग बात करते हैं बाइक के ब्रेक के बारे में। बाइक में आपको फ्रंट में अगर ध्यान देंगे तो फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, जिसका साइज है 320 mm का। और वहीं अगर हम लोग रियर डिस्क ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक का साइज विद ABS। बोथ ABS हैं, फ्रंट एंड ड्यूअल चैनल बाइक में ABS मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें बाइक के व्हील्स के बारे में, तो गाइस बाइक में फ्रंट में आपको मिलता है 19 inch का स्पोक्स व्हील, और रियर में आपको मिल जाता है 17 inch का स्पोक्स व्हील। और गाइस अगर हम टायर की बात करें तो बाइक में आपको कंपनी की तरफ से मिलता है MRF का टायर, जो कि साइज़ अगर हम बात करें साइज़ आपको मिलता है फ्रंट में 100x90 का। और रेयर की अगर हम बात करें तो गाइस आपको रेयर में मिल जाता है बाइक में 140x70 का MRF का टायर, जो कि ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर कंपनी ने दिया गया है। आई होप कि इसमें ट्यूबलेस टायर आता, अलॉय आती तो और बेटर होता, बट फिर स्क्रैम्बलर का मतलब ही क्या रह जाता है गाइस। सो इसमें MRF के टायर मिलते हैं और रेडियल टायर भी इसमें बाइक में नहीं मिलते हैं आपको, तो कॉर्नरिंग वगैरह करने में तो उतना ही बेकार है। जब लोग बात करते हैं बाइक के ओवरऑल लुक के बारे में, तो थोड़ा सा अगर बाइक हम क्लोज से आपको दिखाएंगे तो बाइक में आपको देखिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है। फ्रंट से इसका जो मडगार्ड दिया हुआ है थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है, और क्योंकि स्प्लेंडर का लुक पूरा यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। और पेंट जॉब आप देख सकते हैं बहुत ही कलर अच्छा दिया गया है, जो इस बाइक का पर्सनली फेवरेट कलर लगता है मुझे, वो लगता है येलो। थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आता है उस बाइक में। और बाकी LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, LED टेल लैंप दिया गया है, और LED ही हेड लैंप दिए गए हैं। DRLs जो आपको मिलते हैं वो LED मिलते हैं फ्रंट में अगर आप ध्यान देंगे तो। बाकी क्वालिटी वाइज बाइक मुझे अच्छी लगी, जो लीवर की क्वालिटी है अगर आप ध्यान देंगे, स्विचेस वगैरह काफ़ी अच्छे इन्होंने क्वालिटी यूज़ करी गई है। ग्रिप थोड़ा सा यहाँ पर ये ग्रिप को थोड़ा मोटा दिया हुआ है, तो पकड़ने में काफ़ी ईजी है। अभी मैं आपको अगर पॉसिबल होगा यहाँ पर टेस्ट ड्राइव, तो टेस्ट ड्राइव दिखाऊँगा मैं बाइक की आपको। और अभी कुछ देर में आपको हम दिखाएंगे बाइक का स्पीडो कंसोल कि कैसा है। बाकी सीट वगैरह आपको बहुत ही सॉफ्ट मिल जाती है, कंफर्टेबल मिल जाती है इस बाइक में गाइस, कोई शिकायत नहीं है। और बहुत ही प्यारा लुक दिया गया है, डबल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है आपको, डबल बैरल एग्जॉस्ट है इस बाइक में, जो कि एक ही इसमें जुड़े हुए हैं इंजन में जाके, और जैसे जावा वगैरह में आता है। और गाइस अगर हम बात करें बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 200 mm का बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि जावा ने ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊँचा किया है, इसको बढ़ाया है। जावा की बाइकों में साथ बहुत बेकार था, अब इन्होंने बढ़ाया है SD में इन्होंने। और अगर हम सीट हाइट की बात करें तो गाइस मैं आपको बाइक की बैठ के दिखाता हूँ, 800 mm की सीट हाइट बाइक में आपको मिल जाती है, और मेरी हाइट 5'8" है, और मेरे पैर ऑब्वियसली पूरे तो नहीं पहुँच रहे हैं, बट ये आगे के जो टोज़ हैं ये पूरी पहुँच रही हैं, बट हील मेरी पूरी नहीं आ पा रही है। तो बाइक हाँ कोई शक नहीं है इसमें, थोड़ी सी ऊँची है बाइक ये, तो जिनकी हाइट 5'5" या 5'6" उनको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं, उनको धक्का देके दौड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम चल जाएगा उनका भी। और वहीं अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें गाइस, तो 12.5 लीटर का बाइक में फ्यूल टैंक मिलता है 12.5 लीटर का, और एवरेज अब जो लेगा वही बताएगा एवरेज क्या है। कंपनी तो क्लेम करती है कि बाइक का एवरेज 33 किलोमीटर का मिल जाएगा आपको, बट अब देखिए क्या होता है सिटी में कितना एवरेज मिलता है बाइक में। तो गाइस अब आप
देखिए बाइक का स्पीडो कंसोल कितना प्यारा है और इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे स्विचेस आपको मिल जाते हैं जिससे ये कंट्रोल होता है स्विचेस से। और अगर हम मीटर पर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर दिख जाता है। यहाँ पे ये टाइम वगैरह दिखा रहा है, ये किलोमीटर दिखा रहा है, अब ये माइल्स में सेट है यहाँ पे, और ये ट्रिप दिखा रहा है, बी और ए जो भी लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे ये बड़ा था यहाँ पे इनका स्पीड का दिखाता है, और ये पूरा ये आरपीएम का है बाइक में, और ये साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया हुआ है, और ये रोड भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद ये मोड है, आई थिंक चेंज होता है, अब ये देखना पड़ेगा, शायद जब बाइक चलती होगी तभी चेंज होता होगा, वैसे तो ये चेंज नहीं हो रहा है गाइस। और बाकी यहाँ पे एबीएस की लाइट दी हुई है और लो फ्यूल टैंक की लाइट दी हुई है, और बाकी बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है, लो बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है, काफ़ी कुछ दिया हुआ है जैसे एक नॉर्मल बाइक में होता है। तो कुछ कमी आपको नहीं दी गई कि आपको कुछ कमी लगे, अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें बाकी सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गाइस अगर हम लोग बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में ध्यान देंगे तो आपको फ्रंट में वही टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं, वही टेलीस्कोपिक कवर, और बाकी रियर में वही आपको ट्यूब कॉइल के सस्पेंशन मिलते हैं डबल वाले जो कि नॉर्मल होते हैं स्क्रैम्बलर में, और काफ़ी कुछ अच्छा कुछ दिया हुआ है इसमें। बाकी टायर भी काफ़ी अच्छे इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं कि भी आप अगर ऑफ रोडिंग वगैरह पर ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप नॉर्मल रोड पर चलाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अभी थोड़ा बने रहिए, एडवेंचर खड़ी मेरे बगल में, उसका भी रिव्यू आएगा, बाकी बाइक के अभी वाइब्रेशन टेस्ट आएंगे, ठीक है, सो संपर्क में रहिए हमारे। तो गाइस अब बारी है वीडियो के सबसे बढ़िया पार्ट की, जो कि है बाइक का साउंड कैसा है, सबकी डिमांड रहती है साउंड सुनाओ, सो आइए सुनते हैं बाइक का साउंड। डबल बैरल एग्जॉस्ट दिए हुए हैं, तो गाइस बाइक में मुझे एक चीज़ अभी मालूम चली है शोरूम से कि बाइक अगर स्टैंड पे लगी रहेगी तो आपकी बाइक 2000 आरपीएम के ऊपर नहीं जाएगी, मैं रहा था बाइक बट नहीं जा रही थी, तो मैंने पूछा कि क्यों हुआ, तो स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए स्टैंड हटाया मैंने तो बाइक पूरा कंप्लीट आरपीएम में पहुंच गई थी।